Hey guys, welcome to my channel. मेरा नाम है वैशाली और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और दोस्तों, आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली एडवांस में। और आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करने वाले हैं, जो कि आई थिंक कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के घर में वो चीज़ें तो रहती होगी, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता होगा कि उस पर्टिकुलरली उस चीज़ का हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये जो चीज़ होने वाली है, ये होने वाला है हमारे मोबाइल फ़ोन्स, जो कि पुराने हो चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को, सब लोगों को पता है कि हम सबके घरों में मोबाइल फ़ोन्स हम लोग अपग्रेड करते ही रहते हैं, लेकिन जब हमें उसे एक्सचेंज करने की बात आती है तो तब उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो इतनी ज़्यादा कम मिलती है कि हम लोग सोचते हैं कि इसे तो हम लोग अपने घर पर ही रख लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को उसका एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ कि आप अपने पुराने वाले जितने भी आपके पास में फोन्स है उसे कैसे अच्छी तरह से सीसीटीवी के रूप में यूज कर सकते हो। चलते हुए फोन्स होना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये आपकी एक नेसेसिटी है कि फोन्स जो होने चाहिए वो चलते हुए होना चाहिए। और दोस्तों, यहां पर आपको वीडियो भी आने वाली है, साथ में आपको यहां पे साउंड भी आने वाला है। तो जब भी आप अपने घर से कहीं दूर जाएं और आप अपने सीधे के सीधे पुराने जितने भी आपके पास में फोन्स है उसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, बिना कोई बात स्टार्ट करे हुए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हे गाइस, यहां पर आपको दो फोन्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहला वाला होगा जो आपका ओल्ड फोन है, जिसको आपको सीसीटीवी बनाना है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये इस पे एक रैक आ गया, तो इसलिए ये वाला मेरा डिस्कार्डेड फोन है। और ये वाला जो है, ये मेरा न्यू फोन है। तो दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पे और यहां पर आपको सर्च करना है एट होम कैमरा। अब आप जैसे ही उस एप्लीकेशन को सर्च करोगे, आपके पास में यहाँ पर कई सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वाले टू हैं उनको अपने दिमाग में रखना है। ये दो एप्लीकेशन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, लेकिन जो ओल्ड फोन है जिसको आपको सीसीटीवी बनाना है, उसमें आपको ये जो स्ट्रीमर वाला एप्लीकेशन है आपको उसको डाउनलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये जो सेकेंड वाला एप्लीकेशन है, मतलब एट होम वीडियो स्ट्रीमर टर्न फोन इन टू आईपी कैमरा। तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब ये हो गया है हमारा इस फोन में इंस्टॉल्ड। अब दोस्तों, यहां पर जो हमारा न्यू फोन है उसमें हमें ये जो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन है, मतलब एट होम कैमरा का जो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन है, यानी कि एट होम कैमरा फोन एज रिमोट मॉनिटर, मतलब क्योंकि हमें न्यू फोन को मॉनिटर के रूप में यूज करना है, तो इसलिए हम यहां पर इसे इंस्टॉल कर लेंगे। अब मैंने ये दोनों एप्लीकेशन जो थे इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लिए। अब हम लोग इसे ओपन करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि इसकी सेटअप आपको कैसे करना है। तो दोस्तों, ये वाले जितने भी एप्लीकेशन है, ये दोनों के दोनों फ्री होने वाले हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। थोड़े से एड्स आएंगे, बट इट्स ओके, क्योंकि आपका जो काम है वो यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों कि इसमें जो मेरा कैमरा है वो ऑन हो गया है। अब आपको इसके लिए क्या करना है कि जो आपका न्यू वाला है जिसको आपको अपना स्ट्रीमर बनाना है, उसमें यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड फर्स्ट स्ट्रीमर का, तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही वहां आपको दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि है जनरेट क्यूआर कोड का, तो मैं इस पर क्लिक कर देती हूं जो कि है जनरेट क्यूआर कोड। अब ये क्यूआर कोड जो है ये आ गया है यहां पर। अब हमें स्कैन करना है हमारे न्यू वाले फोन से। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये हो चुका है, जो कोड है ये स्कैन हो चुका है। अब ये थोड़ी सी स्कैनिंग कर रहा है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है, यहां पर ये जो हमारा कैमरा है ये कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहां पर जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये मैंने यहां पर तो म्यूट कर दिया है, लेकिन यहां पर आपके पास में ऑप्शन है जो कि है रिकॉर्ड का भी, आपके पास में यहां पर ऑप्शन है, और साथ में यहां पर होल्ड टू टॉक का भी ऑप्शन है, मतलब कि आपकी जो भी आप वॉइस यहां से भेजना चाहते हो अपने ये सीसीटीवी में, आप वो भी कर सकते हो। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इसका एक अच्छा फीचर ये भी है कि जैसे मेरी स्क्रीन यहां पर आप लोगों को दिख रहा है ये ऑफ है, बट स्टिल यहां पर ये जो हमारा मॉनिटर है इसमें पूरा का पूरा डिस्प्ले हो गया है, मतलब कि जैसे कि आप लोगों की जो पावर है वो भी यहां पर काफी अच्छी से सेव होने वाली है, मतलब काम आपका पूरा ये कर देगा। तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों को जैसे दिख रहा है कि मेरी जो वॉइस है वो भी जा रही थी यहां पर। और दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ कि इस वाले कैमरे, इस वाले सीसीटीवी का जो ये कैमरा सेटअप है, ये हमेशा बैकग्राउंड में रन होता रहता है, और अगर आपको नहीं इसकी यूज हो तो आप इसे कैसे आपको एग्जिट करना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको जाना है ये तीन लाइन्स पे, और यहां पर आपको यहां से एग्जिट करना है जो कि ये है एट होम वीडियो स्ट्रीमर एग्जिट करना है। तो आपको इस पे ओके कर देना है, तब जाके आपका ये जो पूरा है
ये यहाँ से एग्जिट होके जाएगा। नहीं तो अगर आप इस मेथड से नहीं करते हो तो आपको ऑलरेडी वो वहां पर जो बैकग्राउंड में है वो यहाँ पे रन होने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और आई एम श्योर कि आप लोग ये जरूर अपने अपने घर में ट्राई करने वाले हो। बहुत ही ज्यादा ईजी स्टेप है, तो आप जरूर इसे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों के लिए ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मुझे जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।